वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में थाना मीरगंज की के थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना पर पुलिस पार्टी जब चेकिंग कर रही थी संदिग्ध अभियुक्तों की, जब चेकिंग कर रही थी उसी दौरान तीन अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। उनकी जब उनको रोका गया और उनको जब हिकमत अमली से पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई, उनको इंट्रोगेट किया गया, तो एक अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गैंग का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें इनकी निशानदेही पर चार शातिर वाहन चोर अरेस्ट हुए हैं। कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं और भारी मात्रा में चोरी की मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं बरामद हुए हैं। पूछताछ से ये ज्ञात हुआ कि ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, मौके से जो तीन जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए और एक और नया अभियुक्त बाद में गिरफ्तार हुआ, इनमें जो मुख्य अभियुक्त है करण चौहान, इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसके विरुद्ध 7 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अभियुक्त अंकित यादव, राजीव यादव और पंकज गुप्ता, इसमें 3 अभियुक्त जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त जनपद प्रयागराज के रहने वाला है। ये लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को अपने पास लेते थे और उनके पार्ट्स को काट करके ये बेचते थे और जो खरीदने वाले थे इनको अन्यत्र इसको दूसरी गाड़ियों में फिट करके इसको बेचते थे। इस तरीके से ये गिरोह काम कर रहा था और इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पर ये भारी मात्रा में चोरी की मोटरसाइकिलों, उसके पार्ट्स और इनके मोटरसाइकिलों को डिसमेंटल करने के पार्ट्स ये सब रिकवर हुए हैं और इनको अभियोग पंजीकृत करके इन अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। ये अत्यंत सराहनीय कार्य है और इस टीम के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की और कहीं अगर कोई घटना इनके द्वारा या इनकी टीम के द्वारा किया गया हो